टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स का इंटरव्यू वीडियोस नंबर 39। इसमें क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 0 तथा 1 के बीच पूर्णांक संख्या से बना समुच्चय कैसा होता है? रिक्त समुच्चय होता है, यानी कि 0 एवं 1 के बीच जो पूर्णांक संख्या होती है, यानी पूर्णांक संख्या कोई होती ही नहीं है, 0 और 1 के बीच कोई भी पूर्णांक नंबर नहीं होता है, और उनसे बना समुच्चय कैसा होगा? रिक्त समुच्चय होगा, यानी कि जो सेट बनेगा समुच्चय, यानी कि सेट बनेगा वो रिक्त होगा, यानी नल सेट होगा। दूसरा है समुच्चय, ये दिया है 0 ब्रैकेट के जो उपसमुच्चय होंगे 5 एंड 0, यानी एक अवयव है तो 2 की पावर 1 यानी 2 हो जाएंगे, एक तो 5 होगा और एक यही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर, आर मतलब कोई रिलेशन, समुच्चय ए का कोई संबंध आर है तो ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है, यानी एनी रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी कि रिलेशन आर का कोई सेट ए है, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। चौथा है, यदि ए में एम अवयव है और बी में एन अवयव है तो ए क्रॉस बी में एम एन अवयव होंगे, यानी कि ए में एम एम एलिमेंट्स हैं, ए हैव एम एलिमेंट्स, बी हैव एन एलिमेंट्स, देन ए क्रॉस बी हैव एम एन एलिमेंट्स, तथा ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर mn होती है, तो जो सबसेट्स होते हैं, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज 2 की पावर mn। क्वेश्चन 5 है, ए क्रॉस बी का प्रत्येक उप समुच्चय ए से बी में एक संबंध होता है, ए क्रॉस बी का जो प्रत्येक उप समुच्चय है ए से बी में एक संबंध होता है, हम जानते हैं कि 5b ए क्रॉस बी का ही एक उप समुच्चय है, यानी कि सबसेट से 5b ए से बी में एक संबंध है, 5 का ए से बी में एक संबंध है, इस संबंध को रिक्त संबंध यानी कि एम्प्टी रिलेशंस कहा जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर है, यदि x रिलेशन y अगर इस तरह से दिया है 2x+3y=4, में बताना है 0 रिलेशन टू 1, इसका सत्य होगा कि नहीं, नहीं सत्य है या नहीं है, सत्य है या नहीं, वो ये लिखना भूल गए, सत्य है या नहीं, 0 रिलेशन यानी x की जगह काम करेगा 0 एंड y=1, तो ये 2x+3y=4 में ट्राई करेंगे, x=0 रखा, y=1 रखा, नॉट सेटिस्फाई, बराबर नहीं आ रहा, तो ये कथन यानी 0 रिलेशन टू 1 और 2x+3y=4 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, x रिलेशन y को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी ये असत्य कंडीशन बनाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, संबंध का डोमेन, यानी डोमेन ऑफ रिलेशन, यानी संबंध का डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है? तो अगर आपका डोमेन ऑफ रिलेशन बनाना है, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय डोमेन या DOM ऑफ आर कहलाता है, यानी कि इसमें 2 अवयव हैं, एक तो होगा एक्स और दूसरा वाई है, मान लिया हमने आर समुच्चय ए के ए से समुच्चय बी में समुच्चय डोमेन या डोमेन ऑफ आर है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड तथा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो पहले अवयव हैं, पहले अवयवों का समुच्चय ए एंड बी हैं अगर हैं, तो ए और बी में से एक के अवयवों का जो समुच्चय है उसको हम डोमेन ऑफ आर कहेंगे, ठीक है, ए के अवयवों के समुच्चय को डोमेन ऑफ आर, और ऐसे ही संबंध का परिसर यानी कि रेंज ऑफ रिलेशंस में आर के क्रमित युग्म के द्वितीय अवयव, जैसे द्वितीय अवयव है यही आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो द्वितीय अवयव हो जाएगा बी, प्रथम अवयव होगा ए, यानी ए के समुच्चय वो संबंध डोमेन कहलाएंगे और बी के समुच्चय क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाएंगे, तो आर के क्रमित युग्म के सभी द्वितीयक अवयवों का समुच्चय परिसर या रेंज आर कहलाता है, तो द्वितीय अवयव हो जाएगा इसका बी और प्रथम अवयव होगा ए, तो प्रथम अवयव का जो सेट्स होगा उसको डोमेन कहेंगे और द्वितीय अवयव को परिसर या रेंज कहते हैं, तो रेंज ऑफ आर कलो बाई जेड वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो इस तरह से यानी आर इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ये जो कंडीशंस है इसमें ए का जो सेट्स होगा, ए के जो समुच्चय होगा वो संबंध ऑफ डोमेन या डोमेन ऑफ रिलेशंस कहलाएंगे, एंड जो बी के होंगे वो
संबंध का परिसर रेंज ऑफ रिलेशंस कहलाते हैं।